अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीओ बीएससीएस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे सिर्फ आखिर के 5 लेक्चर रह गए हैं, ठीक है। तो आपके जो आखिर के 5 लेक्चर हैं वो हैं इंटीग्रेशन, यानी 5 टॉपिक जो है वो आपको इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा शॉर्ट कर दूँगा इस तरीके से कि अगर आप मेरी प्ले लिस्ट पर जाके देखें तो यहाँ पर जो है तकरीबन 20 वीडियो है, यानी कि 17 लेक्चर की 20 वीडियो, यानी कुछ लेक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो मैं 18, 19, 20, 21, 22 को 2 वीडियो में डिवाइड कर दूंगा। इस तरीके से क्या होगा, आपके थोड़े मिड टर्म लेक्चर जो हैं पूरे 22 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लेक्चर नंबर 18 और 19 कवर करेंगे, उसके बाद जो है हम 20, 21, 22 वो हमारे आखिरी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप पढ़ के आ चुके होंगे इंटर में, तो उसको हम देख लेते हैं। इस तरीके से सॉल्व करना आपको क्वेश्चन दिए हुए, कंसीडर द फॉलोइंग इंटीगल, ये आपको दिए हुए इंटीगल 10x5 + 50x dx, ठीक है। तो आप ये आपको दिया हुआ है, हम देखते हैं सभी सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जो है मैंने हार्ड कॉपी में सॉल्व किया हुआ है, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, अगर आप दोबारा देखें, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है आपका और ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है इंटीग्रल 10x5 + 50x dx, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। यहाँ से dx दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ds के रिस्पेक्ट से करेंगे। अब किस तरीके से होता है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन उतारना है, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के बाद आपने क्या करना है, अब हमने देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अब हमने x के रिस्पेक्ट से करना है। फिर यहाँ सबसे पहले आप क्या कर दें, ठीक है, एक्स वाई को dx से मल्टीप्लाई कर दें और वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास इसके साथ dx आ गया, इसका dx आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दे एक मिनट। अब यहाँ पे x है तो हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y को बाहर ले जाएंगे, ठीक है, y को बाहर ले गए, इंटीग्रल का साइन आया 10, x लिखा dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है, हमने x के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ वाई स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो वाई को हम ले जाएंगे बाहर और कॉन्स्टेंट, यानी जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 1, ताकि हमने अब हम गए, अब हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट में होता क्या है, अब इंटीग्रेट में ये होता है कि देखें यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ की यहाँ पर है 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पावर ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ होता है 1, यहाँ लिखा कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 + 1 लिख दिया, और ऊपर भी वही करेंगे और वही कहाँ नीचे भी करेंगे, ठीक है। तो 1 + 1 ऊपर लिख दिया, 1 + 1 नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर लिमिट्स का दी गई हम लोग को 10, वो हमने यहाँ लगा दी, ठीक है। अब यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, अब कॉन्स्टेंट का जो इंटीग्रेट होता है वो हमारा क्या होता है, अब हम अगर एक्स रिस्पेक्ट से करेंगे तो एक्स आएगा, और अगर वाई रिस्पेक्ट से करेंगे तो वाई आएगा, ठीक है। यहाँ हम कह रहे हैं एक्स रिस्पेक्ट से, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो 1 जाके आ गया x, ठीक है। अब 10 पर लिमिट लगा दी, अब क्या करेंगे हम, अब देखें x 1 + 1 2 कर दी और 1 + 1 2 कर दी, ठीक है, इसकी लिमिट्स ऐसी पुट कर दी और इसको हमने ऐसे उतार दिया, ठीक है, आगे गए। अब क्या कि हमने देखें, आप x की जगह पर 1 पुट कर देंगे और x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, ठीक है, एक मरतबा 1 पुट करेंगे और एक मरतबा 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें y लिखा, x की जगह आ गया 1, इसकी पावर 2 लिखा, अब बीच में माइनस आएगा, ठीक है, याद रखिएगा बीच में माइनस आएगा, माइनस आ गया, फिर क्या गया, एक्स की जगह रख दिया 0, ठीक है। तो इसी से लिख दिया, अब देखें यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक्स, तो क्या किया हमने, वाई स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया 1 - एक्स की जगह 0, ठीक है। अब 0 को अगर मल्टीपाई डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0, तो यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। तो अब आप देखें, आप इसको हमने कहा 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये वाई स्क्वायर आ गया, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब 1 के ऊपर कुछ नहीं होता तो वाई को उससे मल्टीप्लाई करना क्या होगा, वाई की पावर 2 और प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें आपका ये जो आंसर है, वाई स्क्वायर प्लस (2) प्लस वाई स्क्वायर, आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है, इस तरीके से आपका। अब हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है, ये तो होगा सिंपल इंटीग्रेट। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। अब डबल इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ, हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से आपको डबल इंटीग्रल निकाला गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अब यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन डबल इंटीग्रल किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ा मैं जूम करूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे dx दिया हुआ है, यहाँ dy दिया हुआ है। सबसे पहले आपको dx दिया हुआ है, तो आप क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू ds के इंटीग्रल कर लें। तो हमने क्या किया, 1/0 को बाहर लिखा, इसके इंटीग्रल की वैल्यू को बाहर लिखा, पहले हम कर रहे हैं, देखिए ये पहले ये है x के साथ, ये है y के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, वाई को वैल्यू को ब्रैकेट का फाड़ लेगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, अंदर से जब हम x के रिस्पेक्ट से इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x, तो y को ले जाएंगे बाहर, तो y को फाड़ लेगा, ठीक है।
ठीक है, तो हमने क्या कि जब हम एक्स रे स्ट्रक्चर से करेंगे तो क्या होगा, वाई बाहर चला गया, एक्स आ गया। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वन प्लस वन टू और टू नीचे आ गया, इसकी लिमिट्स हमने अप्लाई कर दी 1 0। अब प्लस, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है कुछ नहीं है ना, खाली, यानी कॉन्स्टेंट क्या होगा 1। और 1 के इंडिकेट क्या होगा रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा एक्स, यहाँ एक्स आ गया जैसे मैं लास्ट टाइम किया था, 1 0 यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, लिमिट्स पुट कर दी। अब एक्स की जगह पर था 1, 1 पुट कर दिया, और 0 का होता 0, तो 0 का मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्स की जगह लिख दिया 1, तो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 अपॉन 2 आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास वाई स्क्वायर, एस की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, एस का 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0। इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी का वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट से किस तरीके से करेंगे हम, अब हम इसको वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये। ठीक है, अब हम करते हैं इसको वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, नीचे भी चलेगा 2, ये 2 था ऑलरेडी और ये ऊपर का 2 आ गया। ठीक है, ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, प्लस y, यहाँ पे था 2, यहाँ पे आ गया प्लस का 1, प्लस का 1, और नीचे भी क्या होगा 2 प्लस 1 पहुँच जाएगा। ठीक है, और ऊपर लिमिट्स इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, और वाई स्क्वायर 2 प्लस 2 4 प्लस वाई 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3। ठीक है, ठीक है, आप एक मतलब प्लस में पुट करेंगे, एक मतलब माइनस में। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखा वाई ऊपर स्क्वायर 1 पुट किया, 4 आ गया। ठीक है, अब वाई की जगह पुट क्या किया, 1 पुट किया। ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस, और एक मतलब 0 से पुट करेंगे। ठीक है, 1 से पुट किया, अब 0 से पुट किया, 0 से पुट किया, तो ये हमारा वैल्यू होगी। अब 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 ऊपर 4 आ गया, 1 ऊपर 3 आ गया 0 का, और पूरी वैल्यू 0 था 35 डिवाइड तो 0 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने का आसान तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीपाई करते हैं इसको इससे। ठीक है, 3 1 3 4 1 4। ठीक है, तो देखिए 3 ऊपर आ गया, 4 आ गया, और नीचे को आपस में मल्टीपाई करना है, 4 3 12। ठीक है, अब 4 5 6 7 7 बाय 12 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आके देखें तो यहाँ पर भी आपका 7 बाय 12 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी होंगे, इस तरीके से देख लीजिएगा, इतना मुश्किल है नहीं। यहाँ पर 17 और आपके लेक्चर नंबर यहाँ पर 17 नंबर खत्म हो चुका है। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहे तो आप ये कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आपके बुक से। और अगर आप लेक्चर नंबर 18 में यूज़ ऑफ इंटीग्रल, तो उसमें बताया हुआ इंटीग्रल कहाँ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तक टॉपिक इतना खास है नहीं, बाकी इंटीग्रल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 18 और 19 लेक्चर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आके देखें प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 18 आपको यहाँ से हुआ, तो इसका कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 4 क्वेश्चन दिए, ठीक है, 18 और 19 के। ठीक है, तो आप देखें, आप पहले कर चुके हैं, उसी पैटर्न से होगा। ठीक है, ये भी उसी पैटर्न से होगा, ये से डबल इंटीग्रल दिया हुआ है, इसकी डबल इंटीग्रल की लिमिट्स दी है। ठीक है, ये भी उसी तरीके से होगा और ये भी उसी तरीके से होगा, इसमें से सबमिशन दिया हुआ। ठीक है, तो पहला वाला मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एग्जाम्पल आके आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे देखें, आपको ये देख लें, एक्स की पावर क्यूब बाय माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और डी एस का इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, इसको मैं सॉल्व करूँ। सबसे पहले आपने क्या किया आसानी के लिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपके पास है डी वाई और डी एक्स बाद में, तो आप क्या करेंगे डी वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया आसानी के लिए इंटीग्रेट कर लिया, यानी एक्स के साथ ये आ गया। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, एक्स चले गया बाहर, अब वाई के रिस्पेक्ट से करना। देखिए, अब मैं वाई के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ, यहाँ पे है वाई, तो क्या होगा एक्स मेरा बाहर चला गया, एक्स बाहर चले गए। अब देखिए, इसका लिमिट्स नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेट निशान हम लगा दिए, अब वाई मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 6x2, ठीक है, कॉन्स्टेंट के साथ की जो वैल्यू होती है ना एक्स स्क्वायर के साथ, उसको भी हम बाहर ले जाएंगे। ठीक है, बाहर ले गए तो क्या बचा हमारे पास, वाई के रिस्पेक्ट से बचा 1, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम जब वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हुआ हमारा, यहाँ वाई लिखा 1 प्लस 1 2 और 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर भी ये करेंगे, तो वाई यहाँ आ गया 1, अब 1 का इंटीग्रेट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई से, तो क्या होगा वाई आ गया। ठीक है, अब इस पर हमें लिमिट्स तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे छोड़ दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आके हमने इसको एक्स रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया। जब हम एस के एस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो देखें किस तरीके से करेंगे, तो आप देखें यहाँ लिखा था 3, यहाँ हो गया प्लस 1, तो क्या हो गया 4, और ये वाई 2 डिवाइड बाई 2 ऐसे ही था। ठीक है, अब जब वाई 4 होगा तो नीचे भी आके वाई 4 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे तो यहाँ पर भी यही होगा 2 प्लस 1 3, ठीक है, 6 x³ हो गया वाई और 2 प्लस 1 3। ठीक है, ठीक है, अब इसको आप सिंपल खोल लें, x² y² 4, अच्छा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 8 हो गया 6 2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर हमसे काउंटेंस 3 1 3 2 6, तो आपकी वैल्यू हो गया और शॉर्ट। ठीक है, तो आपका इस तरीके से ये आंसर आ गया। अगर आप यहाँ आकर देखें तो यहाँ पर भी आपका x² y² 8 - 2 x³ y, यहाँ पर जो है आपका यही आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो अभी कर लें, मैंने आपको करवा दिया। बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है अगर आप ये देखना चाहें तो ये भी पूरे हुई है, सिर्फ इसमें लिमिट सी में टॉप पुट करेंगे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये भी आसान है और ये भी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर 18 और 19 जो है फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 18 और 19 लेक्चर फिनिश हो गया। ठीक है,
तो और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको 20 से 22 तक करवाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं लेक्चर नंबर 20 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।